हॉल इफेक्ट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड हॉल इफेक्ट में हम लोग जो स्टडी करेंगे यहाँ पर वो हॉल वोल्टेज क्या है, हॉल वोल्टेज वो कैसे क्रिएट होगी और हॉल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वी अंडरस्टैंड दोज बेसिक कंसेप्ट, जिसको मैं सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट बोलता हूँ SPCs, वो हम लोगों को क्लियर है कि नंबर वन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो क्या है और नंबर टू लॉरेंज फोर्स, इन दो कंसेप्ट की हॉल इफेक्ट में ज़रूरत पड़ती है। अगर ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हैं देन यू विल नेवर फेस द प्रॉब्लम टू ड्राइव और टू अंडरस्टैंड द हॉल इफेक्ट, वेदर दैट इज फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और कुछ कोर्सेज मैं अपनी physics.com पर क्रिएट कर चुका हूँ, तो आप प्लीज विजिट दैट प्लेस और जो भी आपके कोर्सेज हैं या रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मुझको आप बता सकते हैं। राइट, तो यहाँ सबसे पहले जो पॉइंट है वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो मिडल फिंगर है ये करंट की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करती है। राइट, तो अब जब भी आप कोई सिचुएशन, कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उस चार्ज पार्टिकल को आप इस सिचुएशन पर रख सकते हैं। राइट, वो वेदर दैट इज प्लस और माइनस, निगेटिव चार्ज इज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इज मीन्स दैट इज द होल, आप उस पोजिशन पर ये अपना हैंड रखकर तब आप देख सकते हैं कि थंब की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है, इररेस्पेक्टिव टू द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज चार्जेज, अगर ये कहीं गिवन है तो इनकी डायरेक्शन नहीं देखते हैं, डायरेक्शन जो है करंट की देखते हैं, होल जो है वो करंट की डायरेक्शन में चलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट चलते हैं। तो आपको इस पॉइंट पर फोकस नहीं करना है, यू हैव टू सी ओनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो दिस वाज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड आई एम श्योर कि ये आपको पहले भी क्लियर होगा और इसको जो है फादर मदर याद रखने के लिए और चिल्ड्रन, तो इस तरीके से ये बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है जो प्लस टू में है। तो यहाँ से एफ जो रिप्रेजेंट करता है वो फोर्स के लिए FMC, एम एंड देन सी, तो एफ एम एंड सी दैट मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दी करंट, इस फिंगर के लिए नंबर वन, नंबर टू एंड दिस वाज दी नंबर थ्री। राइट, एंड नाउ अबाउट टू दी लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज फोर्स एक्चुअली सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स है ऑन ए चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर आप जो चार्ज पार्टिकल देख रहे हैं वो प्लस क्यू देख रहे हैं, दैट मीन्स होल है, और ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो दिस चार्ज पार्टिकल इज इन बोथ द फील्ड, और चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो ये है। राइट, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो होगा क्यू और ये कैपिटल ई। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर कंसिडरिंग हियर पॉजिटिव चार्ज दैट इज द होल, राइट, देन क्यू विल बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी रिटन एज प्लस ई, हियर सिमिलर Q will be written as plus E and capital E. But if you are considering here electron and that is minus E, charge of the electron. So instead of Q, if you have to put the value, then that time you will write minus E. Here you are writing Q is equal to minus E. And this is the electric field. So this is the difference, and this part basically you will use if you are using P-type semiconductor, then you will need this type of concept, P-type semiconductor, then hole will be the majority charge carrier and that charge will be positive.
एंड इफ यू आर कंसिडरिंग एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, देन दैट टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड द चार्ज विल बी निगेटिव, राइट. सो दिस इज वॉज द टू बेसिक कंसेप्ट सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट. देखो अगर आपको ये क्लियर हो चुके हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको हाल इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ दिस इज द डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं. ये जो आप ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये सेक्शन, ये बॉक्स जो है, ये स्पेसिमेन है. और ये फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ वो पी टाइप सेमी कंडक्टर के जैसे उसको कंसिडर किया है. एंड वी प्रोवाइड सम करंट टू दिस सेमी कंडक्टर. डायरेक्शन ऑफ द करंट आप ये मान लीजिए, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है आई, राइट. तो इस तरीके से ये करंट का फ्लो है. तो अभी ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है यहाँ पर होल है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो होल भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट. तो यहाँ अगर मैं ये शो करता हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन में आपका जो है वो करंट है, करंट, एंड वाई डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. तो जो जेड डायरेक्शन होगा, तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द हाल वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपको उन फेसेस पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. तो यहाँ ये फेस आपका और इसके अपोजिट इधर जो फेस था उसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे ड्रा करके आपको बता दूं तो आप जल्दी विजुअलाइज कर पाएंगे, राइट. तो किसी भी क्यूब पर आप देखते हैं या कोई बॉक्स है तो 6 फेसेस होंगे. तो ये जो फेस है और इसके जो अपोजिट फेस है वो ये हुआ. तो यहाँ करंट आपको मिला है इन फेसेस पर, और जो अप डाउन ये जो फेसेस हैं अप साइड में, और ये जो डाउन साइड में आप देख रहे हैं ये लोअर बॉटम साइड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कवर कर लेता है. अब जो बचा है वो ये पार्ट बचा है जो आपके सामने है, ये इधर ये जो देख रहे हैं आप. मैं इसको अगर ऐसे वर्टिकल कर दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, राइट. सो अभी यहां मैं पेन कलेक्ट कर लूं. तो ये हुआ अभी यहां क्वेश्चन कि जब ये पॉजिटिव चार्ज दैट इज द होल मूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो होगा मैग्नेटिक फोर्स, और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्यू वी बी साइन थीटा से. थीटा यहाँ 90 डिग्री है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा ऑन दैट चार्ज पार्टिकल वो हो जाएगा क्यू वी बी, और क्यू यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा ई वी बी. तो एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ वो हुआ ई वी बी, राइट, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको फोर्स तो पता लगा कि इतना फोर्स यहाँ पर इस पार्टिकल पर लगा है. अब आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी, और इस जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये किस साइड को ड्रिफ्ट करेगा, ये उस फेस की तरफ को जाएगा या ये इस फेस की तरफ रहेगा, ये अब आपको बताना है बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करिए, और यहाँ जो डायरेक्शन है ऑफ द करंट, तो मिडल फिंगर आप इस डायरेक्शन में रखिए और हाथ को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, तो आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो अपसाइड में चली जाएगी. तो थंब जो होगा वो टूवर्ड्स यू होगा, आपकी साइड में थंब की डायरेक्शन होगी. तो इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इस साइड को ड्रिफ्ट करेगा, राइट. जैसे ये यहाँ आप देखते हैं कि अंदर एंटर करता है, तो ये बजाय सीधे चलने के ये इस तरफ को मुड़ जाएगा, इस दीवार की तरफ को ये जो फेस है इस पर मुड़ जाएगा. या तो ये चार्ज जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस फेस पर जो आपका स्पेसिमेन है, राइट. तो अब आप क्या करते हैं, अब आप करंट को इंक्रीज करते हैं. तो करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आपने चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया है, तो और ज्यादा चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा इस साइड में, राइट. और ज्यादा चार्ज यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा अब दूसरा पार्ट, तो रिलेटिवली ये जो दूसरा फेस है इसका, तो उस पर कैसा चार्ज होगा, उस पर होगा निगेटिव चार्ज.
यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट अगर इकट्ठा होना शुरू हो गया है तो इसका जो अपोजिट फेस होगा रिलेटिवली वहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस तरीके से आप देखते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन साइड दी आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और यहाँ इस फेस पर अगर मैं इसको एक्स कहूँ और वो जो दूसरा है उसको वाई कहूँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो जिसकी डायरेक्शन होगी एक्स टू वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस सरफेस पर कैसा चार्ज आ चुका है पॉजिटिव, उस सरफेस पर कैसा चार्ज आ चुका है निगेटिव। तो अब एक यहाँ पर ये आप प्लस प्लस देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये निगेटिव निगेटिव। तो अगर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा, इस वे में बताऊंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपका इस साइड को, राइट। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, प्लस चार्ज जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा? यस, फोर्स का फार्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। तो अब यहाँ चार्ज किस टाइप का है, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यू हो जाएगा प्लस ई, तो ये फोर्स हो जाएगा ये। तो अब अगर मुझको इस चार्ज पार्टिकल पर जो कि होल है इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, किस टाइप का किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की साइड को है, प्लस से माइनस की साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एफ ई की डायरेक्शन ये होगी, तो यहाँ जो एफ ई की डायरेक्शन है वो ये है, और जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप जब अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो बी को जो है आपने कॉन्स्टेंट रखा है, राइट। तो एक पर्टिकुलर जो है आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया होगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा कि बी तो आपका कॉन्स्टेंट हुआ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है उस चार्ज पार्टिकल पर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो उसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड है, तो एफ एम जो है वो कॉन्स्टेंट हुआ। लेकिन जो यहाँ आप देख रहे हैं कि बार बार आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो जो फोर्स है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। वंस यू विल गेट ए सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, और तब ये जो ड्रिफ्टिंग है ये बंद हो जाएगी और इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, तब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये सिचुएशन को आप ऐसा समझ सकते हैं इस वे में। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि अगर इन एजेस के बीच में, यहाँ जो आप एक्स इसको बोल रहे हैं इस सरफेस को और वाई इसको बोल रहे हैं, तो इनके बीच जो ये इसकी थिकनेस है सैंपल की, यू कैन से दैट इज एल, राइट। तो यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, वी जो पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन द टू सरफेसेस, एंड एल इज द विड्थ, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो आपको पता होगा, आप ये क्लियर होगा कि इनके बीच क्या रिलेशन है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। तो अगर मुझको यहाँ पोटेंशियल डिफाइन करना होगा तो मैं कर दूंगा वी इज इक्वल टू ई इन टू एल। तो एल तो कॉन्स्टेंट है लेकिन ई जो है वो वेरी करता है, और वो वेरी कैसे करता है, जब आप इसको करंट को वेरी करते हैं। तो जैसे ही करंट वेरी होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी कैसे हो रही है, चार्ज पार्टिकल की क्वांटिटी की वजह से। जितना चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, और उतना ही आप पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं जो कि इस वोल्ट मीटर से आप पढ़ते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं ना कि आप बी कॉन्स्टेंट कर देंगे, उसके बाद में करंट इंक्रीज करते हैं और वोल्ट मीटर को रीड करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये टेबल होगी, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर वी आप पढ़ते हैं, और फिर उनके बीच ग्राफ प्लॉट करके फिर आप उस जो स्लोप को अपना हाल कोफिशिएंट और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हाल वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अब जो बोल रहा हूँ, ये जो फील्ड था जो डेवलप हुआ था बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल की वजह से, उसको बोलते हैं हाल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो कंसेप्ट हुआ भाई वो जो कि हाल अफेक्ट से जुड़ा है,
और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आपने ऑब्जर्व किया, इसको बोलते हैं हाल वोल्टेज। तो इस तरीके से ई एच एंड वी एच आपको आइडिया हो चुका होगा और बेसिक कंसेप्ट यहां पर यूज किए हैं और क्या कंसेप्ट यूज किया है वो आपने ऑब्जर्व कर लिया है। लेकिन अब मुझको, अगर आपको ये सब चीज समझ आ चुकी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको अब इम्प्लीमेंट करनी है फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ क्या है कि यहाँ जो करंट है अभी भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन क्या है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर है। आपने अब एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है तो मेजोरिटी चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। सो इसका तो यहां कोई रोल नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट दी जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट है, और वो क्या है, फ्लेमिंग, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसको इंप्लीमेंट करना है। आप करिए, तो आप ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज किया अपना, और जो मिडल फिंगर है उसको डायरेक्शन ऑफ दी जो करंट है उस डायरेक्शन में कर लीजिए। अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ये फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर आ चुकी है, राइट, और ये थंब जो होगा आपकी साइड में होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है उन पर भी बच्चा लोग ये जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो सेम उसी डायरेक्शन में लगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे लगता था, राइट। तो अब ये जो ड्रिफ्टिंग होगी ये टूवर्ड्स दिस स्पेस होगी, तो अब जितना भी करंट है उसके रेस्पेक्ट में इस वॉल पर जो है, इस सरफेस पे आपका निगेटिव चार्ज एक्यूमलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि आपने करंट कितना रखा हुआ है। जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेगा तो आपका ये चार्ज का नंबर यहाँ पर बढ़ता जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस फेस पर क्या आया, निगेटिव चार्ज एक्यूमलेट हो जाएगा, और दूसरा जो फेस है उस पर रिलेटिवली कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन एक्स एंड, मैं कहूं कि दूसरा आपका जो फेस है वो वाई है, तो इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको आप मेजर कर सकते हैं एक वोल्ट मीटर के थ्रू। तो एक्सपेरिमेंट को मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, जो स्टेटमेंट पहले वीडियो में दे दिया था कि जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे तो यहां पर आप वोल्टेज को मेजर करते जाएंगे, उसी के रेस्पेक्ट में वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, अब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी है, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ ई, इन एडिशन टू दी किसके, जो मैग्नेटिक फोर्स था उसके। तो अब यहां इस चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और दूसरा आपका जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसलिए इन दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन है, इसलिए टोटल फोर्स को जो है बोलते हैं लोरेंज फोर्स। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे ये है, इस साइड में वाई टू एक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब आपको बताना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, वाई टू एक्स होगा या एक्स टू वाई होगा। तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे क्या है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, और क्योंकि उनको आइडिया ये होता है कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो चार्ज पार्टिकल ये है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसका चार्ज निगेटिव था, राइट। और माइंड में इंप्रेशन ये रहेगा कि भाई जो फोर्स है वो तो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है इसी साइड को लगेगा जिस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ क्यू क्या है, माइनस ई है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसको अब यहाँ ऑब्जर्व करते हैं ना, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा माइनस ई इंटू ई। तो अब ये जो फोर्स है ये अपोजिट है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव साइन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ऑन दी चार्ज पार्टिकल उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, एंड दैट इज अपोजिट टू दी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है। तो अब जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो एफ एम जो है वंस
becomes equal to the Fe, और तब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था हाल इफेक्ट, हाल वोल्टेज, हाल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सभी, और आई होप कि अब आपको यहाँ पे सभी आइडिया क्लियर हो चुका होगा। अगर ये वीडियो के थ्रू आपका आइडिया क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और जो कंसेप्ट जिस फॉर्म में अगर आपको कहीं डाउट लगा है तो कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी और भी है कि अगर आपकी जो फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा फॉर अदर्स। और आप अपनी physics.com है उसको भी देखते रहिए, और वहाँ आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं या कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू बता सकते हैं। तो ये था अपनी physics.com के लिए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर टाइम। कोई भी क्वेश्चन है विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, इट विल बी माई प्लेजर टू शेयर ऑल दोज कन्फ्यूजन। सो थैंक्स वंस अगेन एंड कीप इन टच।